नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। एंड है वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन होली का दिन है। जी हाँ, होली का त्यौहार रंगों से भरा हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगी हर राशि के हिसाब से आपका दिन कैसा रहेगा, आज का दिन कैसा रहेगा। इसी के साथ बताऊंगी आपको रंगों के बारे में, क्योंकि होली में अलग अलग रंगों का इस्तेमाल होता है। तो ये रंग आपके जीवन में किस तरह से आपको अलग अलग फील्ड में, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स में, आपके चाहे बात हो पर्सनल प्रॉब्लम्स की, बात हो प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स की, ये रंग आपके जीवन में किस तरह से आपको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। बात करूँगी हर रंग के महत्व के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले अगर बात करूँ लाल रंग की, तो लाल रंग जीवन शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। इसी के साथ गर्म होने के कारण ये दर्द की चिकित्सा के लिए भी बेहतर माना जाता है। लाल रंग को प्यार का भी प्रतीक माना जाता है। ये एड्रिनल हार्मोन को बढ़ावा देने के साथ साथ प्यार और साथ ही में आपके अंदर के रिश्तों में एक तरह से एक दूसरे के इमोशंस को बढ़ावा देता है। अनिद्रा, कमजोरी, रक्त संबंधित जो समस्याएँ होती हैं उसके इलाज के लिए ये रंग बहुत ही ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। इसके बाद अगर बात करूं येलो कलर की, तो जो पीला रंग होता है इस रंग को विवेक, स्पष्टता और आत्मसम्मान का प्रतीक माना जाता है। मानसिक उत्तेजना के साथ ये तंत्रिका तंत्र को भी बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। साथ ही में पेट और त्वचा यानी कि स्किन के साथ मांसपेशियों को भी ये शक्ति देता है। पेट खराब होना या फिर स्किन प्रॉब्लम्स के उपचार में ये रंग बहुत ही ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। आप किस तरह से इन रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, आपको जैसे आप रेड कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको जैसे मैंने बताया आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसबैलेंस रहता है, तो आप एक रेड कलर की बॉटल ले लीजिए, उसमें पानी भरकर उसे एक पूरा दिन धूप में रखिए, सूरज की किरणें उस पर लगनी चाहिए। उसके बाद नहाने के पानी में थोड़ा सा वो पानी मिलाइए और उससे नहाइए आप। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको रेड कलर से जुड़ी हुई आपकी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इन सभी में आपको आराम मिलेगा। इसी के साथ बात करती रहूंगी और कलर्स के बारे में भी, लेकिन अभी हम बात करते हैं आपकी राशियों के बारे में। मेष राशि वालों के बारे में जान लेते हैं आज का दिन कैसा रहेगा। आप लोगों के लिए कार्ड निकलता है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। आज मेष राशि वालों को काम और जिम्मेदारियां आपके सामने रहेंगी, लेकिन कुछ काम आप आसानी से कर लेंगे। दोस्त और आसपास के कुछ लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, वो आपसे किसी बड़े काम की आशा कर सकते हैं, आपसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा सकते हैं। पार्टनरशिप के उलझे हुए मामले आप आज के दिन में सुलझा लेंगे, या पार्टनर्स के साथ जो अभी तक खिटपट चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। उपाय क्या करना है? आज फ्राइडे का दिन है, माँ लक्ष्मी की उपासना करना, माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। टॉरेंस के लिए कार्ड निकलता है द हेरोफेरेंट। टॉरेंस को पुराने विवाद भी आप लोग सुलझाने की कोशिश आज के दिन में करेंगे और स्थिति आपके फेवर में हो सकती है। किसी रिश्तेदार के साथ अनबन खत्म हो सकती है, अभी तक जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो खत्म हो जाएंगी। दाम्पत्य जीवन में मतभेद होने से परेशानियां थोड़ी सी बढ़ेंगी। उपाय क्या करेंगे? लाल चुनरी किसी भी सुहागिन स्त्री को आपको देनी है। जेमिनाइज की बात कर लेते हैं। आप लोगों के लिए कार्ड निकलता है द जजमेंट। तो जेमिनाइज के लिए आज खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, खर्चे पर कंट्रोल कीजिए। इसी के साथ नौकरी पेशा लोगों को सावधान रहना होगा, अपने विरोधियों से, अपने आसपास के लोगों से। अगर बात करूं आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स की, तो पुराने रोगों से परेशानी आज के दिन में हो सकती है। थोड़ा सा अपनी हेल्थ के ऊपर उसको निग्लेक्ट नहीं कीजिए। जीवन साथी से सहयोग नहीं मिल पाने के कारण मन भी थोड़ा सा दुखी रहेगा। छोटा सा उपाय करना है, चीनी का दान आप लोग कर दीजिए किसी भी मंदिर में जा करके। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कार्ड निकलता है आप लोगों के लिए टू ऑफ वांड्स। कामकाज में दोस्तों और भाइयों की मदद से काम आपके पूरे होने के योग बन रहे हैं। इसी के साथ लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन और अनिश्चितता की स्थिति भी आप लोगों के लिए अभी तक जो बनी हुई थी वो अब खत्म हो जाएगी। सुधार और विचार करने का दिन है। आज के दिन में कोशिश करें आप डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ें। उपाय क्या करेंगे? सरस्वती मंत्र की उपासना आज के दिन में ज़रूर करें। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ रंगों के बारे में, जी हाँ, आज का दिन होली का त्यौहार है और रंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इस होली के त्यौहार में। लेकिन ये रंग, ये कलर्स आपके जीवन में कैसे, किस तरह का महत्व रखते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। बात करूँ अगर वाइट कलर की, तो वाइट कलर या ऑफ वाइट कलर, ये रंग नकारात्मकता विचारों से दूर रखता है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी से आपको दूर रखता है। इसी के साथ सफ़ेद रंग रोगों का जल्द निवारण करता है। व्यक्ति को किसी रंग में अगर रुचि न हो तो वो सफ़ेद रंग का प्रयोग कर सकता है। और ख़ास तौर पे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल को अपने कम रखते हैं। जिन लोगों को ऑफ वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद होता है उनका स्ट्रेस लेवल कम रहता है।
अगर बात करूँ सैफ्रन कलर की या फिर ऑरेंज कलर की या नारंगी कलर की, तो इस रंग में से उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ता है। जो लोग ये कलर बहुत ज़्यादा पहनते हैं या जिन लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा पहनना चाहिए सैफ्रन कलर या फिर ऑरेंज कलर। इसके साथ ही लंग्स और ब्रीदिंग को भी ये ठीक रखता है। जिन लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, उन लोगों को ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा पहनना चाहिए। इसलिए नारंगी रंग जो है आस्थमा, ब्रोंकाइटिस, किडनी इन्फेक्शंस में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑरेंज कलर की बॉटल में आप पानी भर के रखें, पूरे दिन उसे धूप में रखें, उसके बाद सुबह उठ करके उस पानी को थोड़ा सा अपने नहाने के पानी में मिला लीजिए। ऐसा करने से आपको ये सारी प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी राशियों के बारे में। सिंह राशि वालों के बारे में बात कर रहे थे, लियो उसके लिए कार्ड निकल रहा है 8 of Cups। आप लोगों को महत्वपूर्ण काम निपटाने में परिवार की मदद आज के दिन में ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ करियर से जुड़े कुछ संवेदनशील फैसले आज के दिन में आप ले सकते हैं। सावधानी से निवेश करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने फैसले पर भरोसा रखें, क्योंकि जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में करेंगे आज। और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए आज के दिन में आपको एक सावधानी रखनी है कि पढ़ाई में आपको मन लगाना है, इधर उधर अपने मन को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। उपाय क्या करेंगे, तुलसी में घी का दीपक जलाना बहुत ही लाभदायक रहेगा आपके लिए। ऐसा करने से आपके फाइनेंसेस में सुधार होगा, आर्थिक समस्याएं आपकी खत्म होंगी। बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की, तो वर्गोस के लिए कार्ड निकल रहा है 2 of Swords। आप लोग अपने व्यवहार में थोड़ी सी सावधानी रखिए। वर्गोस को आज ध्यान रखना है, किसी से उग्रता से बात नहीं करनी है। आपकी किसी बात का गलत अर्थ भी निकाला जा सकता है, जिसकी वजह से वाद विवाद की स्थिति बढ़ सकती है। इसी के साथ पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट आप लोगों को मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरे लोग भी अपने हिस्से का काम आपको दे सकते हैं, यानी कि वर्क प्लेस पर थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा हो सकता है आपके ऊपर। उपाय क्या करेंगे, चावल और दूध का दान देना आज बहुत ही अच्छा है। अब जान लेते हैं तुला राशि वालों के लिए कैसा है दिन। कार्ड निकलता है 5 of Pentacles। किसी नतीजे या फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं तो कल आपको फेवरेबल रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। इसी के साथ खाने पीने का खास ध्यान रखें, क्योंकि आज हेल्थ प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। व्यापारियों के लिए समय ठीक नहीं है, किसी को उधार पैसा देने से आप लोगों को बचना है। उपाय क्या करेंगे, छोटी कन्या को गिफ्ट दे दीजिए। आपके घर में कोई छोटी बच्ची हो, उसे कोई गिफ्ट ज़रूर दे दीजिए। बात कर लेते हैं स्कॉर्पियंस की, कार्ड निकलता है आप लोगों के लिए द चैरियट। स्कॉर्पियंस को किसी भी कठिन परिस्थिति का समाधान आप निकाल सकते हैं आज के दिन में, या कोई डिसीजंस ऐसे थे जो अभी तक अटके हुए थे, आज वो खत्म हो सकते हैं, वो आप बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन वाली स्थिति जो है वो खत्म हो जाएगी, और मन चाहे काम निपटाने के लिए आपको इंतज़ार करना आज के दिन में पड़ेगा ज़रूर। ऑफिस में थोड़ी परेशानी हो सकती है, या वर्क प्लेस पर हो सकता है कलीग्स के साथ थोड़ा सा बहस हो जाए, ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। उपाय क्या करेंगे, पीले रंग का रेशमी कपड़ा मंदिर में दान करना है आपको। तो जिस तरह से आज मैं आपको बता रही हूँ रंगों के बारे में, इन कलर्स का आपके जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व है। बात करें अगर ग्रीन कलर की, तो इस रंग को प्रकृति से काफ़ी ज़्यादा करीब माना जाता है। ग्रीन कलर आप जानते हैं कि नेचुरल कलर है, इसीलिए ये जो रंग है इसको आँखों को, अगर आप ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा देखते हैं सुबह उठते ही, आप बाग बगीचे देखते हैं, इससे आँखों को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। ये रंग दिल को स्वस्थ रखने के साथ हार्मोन को भी संतुलित रखता है, हार्मोन्स को भी बैलेंस रखता है। हरे रंग में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की क्षमता होती है। ये रंग स्किन प्रॉब्लम्स को और हाई ब्लड प्रेशर के उपचार में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है, यानी कि जिन लोगों को हाई बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, या फिर स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको हरे रंग का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इसी के साथ बात करूं अगर ब्लू कलर की, यानी कि नीला रंग, ये एक तरह से एंटीसेप्टिक का काम करता है। ये रंग ठंडा होने से उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को भी कम रखने में मदद करता है। इसके अलावा सिर दर्द, सूजन यानी कि स्वेलिंग, सर्दी और खांसी के उपचार में भी ये रंग बहुत ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। तो जिन लोगों को बहुत ही जल्दी जल्दी खांसी जुकाम होता है, या फिर जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उन लोगों को ब्लू कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, या फिर आप एक ब्लू कलर की बॉटल में पानी को सूरज की किरणों में रखें और उसके बाद उस पानी को थोड़ा सा अपने नहाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। मैंने सूरज की किरणों में रखने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि जो सन रेज होती हैं उसमें जो विबग्योर स्पेक्ट्रम होता है, उसमें जितने भी कलर्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कलर्स होते हैं वो उस पानी के अंदर आ जाते हैं, जिससे, और ब्लू कलर की बॉटल आप इस्तेमाल करें, जिस भी कलर की बॉटल आप इस्तेमाल करें उस कलर से रिफ्लेक्ट होकर उस पानी में आते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी के जो चक्रास हैं उनको वो कलर बैलेंस करते हैं।
तो ये तो बात हुई कलर्स की, और आज का दिन जो है होली का दिन है, आप इंजॉय कीजिए आज के दिन हर कलर के साथ। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की, आज का दिन सैजिटेरियंस के लिए कैसा रहेगा। सैजिटेरियंस के लिए आज कार्ड निकल रहा है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, लोगों से आप लोगों को एक तरह से मदद आज के दिन में मिलेगी, साथ ही में करियर में आज बदलाव के अवसर अचानक सामने आ सकते हैं। आप जीवन के कई क्षेत्रों में बदलाव का मन बना सकते हैं, या फिर जो लोग ऐसे हैं कि जिनका जॉब भी करते हैं साथ ही में बिजनेस भी करते हैं, उन लोगों को दोनों ही फील्ड्स में अपने कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे आपके लिए। साथ ही में पार्टनर्स की किसी बात पर आज मूड खराब हो सकता है, उपाय क्या करना है। मालपुए का भोग माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे तो आपके लिए हर तरह से आपके लिए बैलेंस बना हुआ रहेगा, चाहे बात करूँ पर्सनल लाइफ की चाहे बात करूँ प्रोफेशनल लाइफ की, हर तरह से आपको बैलेंस दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। केप्रिकॉन्स के लिए कार्ड निकल रहा है द टेम्परेंस, केप्रिकॉन्स को अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, दोस्तों और भाइयों से सहयोग आप लोगों को मिलेगा, साथ ही में सोचे हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे, अपनी प्लानिंग को मेहनत से पूरा करेंगे और साथ ही में उसका फायदा भी आपको मिलेगा। उपाय क्या करना है, आज के दिन में मिश्री खाकर बाहर जाएं या मिश्री खाकर ही किसी अपने दिन की शुरुआत कीजिए। एक्वेरियंस की बात कर लेते हैं, कार्ड निकलता है आप लोगों के लिए नाइन ऑफ कप्स, आपके सामने काम बहुत रहेगा लेकिन उनसे आपको फायदा भी हो सकता है, यानी कि आज काम की व्यस्तता तो रहेगी, हार्डवर्क करेंगे तो उसमें आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे, बहुत से लोगों की मदद आज के दिन में मिलेगी, सपोर्ट आपको मिलेगा, घर और परिवार के साथ काफ़ी समय बीतेगा, साथ ही में फालतू खर्चा करने से आज के दिन में बचना है। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर एक्स्ट्रा समय देंगे तो आपके लिए आने वाला समय सफलतापूर्वक रहेगा। उपाय क्या करेंगे, सुहाग का सामान किसी मंदिर में दे दीजिए, ये काम आपको सुबह के समय में करना है। मीन राशि वालों की बात कर लेते हैं, आप लोगों के लिए कार्ड निकलता है किंग ऑफ वांड्स, मीन राशि वालों को आपके सोचने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव आज के दिन में कर सकते हैं, परिवार के काम निपटाने में आप लोगों की रुचि रहेगी, साथ ही में संतान से सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है, दोस्तों पर खर्चा आज के दिन में बढ़ सकता है और खास तौर पे कुछ लोग अपनी सेहत को लेकर टेंशन ले सकते हैं। उपाय क्या करेंगे, पिंक कलर आज के दिन में पहनेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और जैसे कि आज रंगों का दिन है तो कोशिश करें हर रंग ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मीन राशि वालों के लिए जैसे मैंने कहा पिंक कलर ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा करने से आपका लक फैक्टर बढ़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, एक बार फिर से वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, कल फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ।